हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लासेस रहेगी, कंप्यूटर का 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हॉस्टल वाला रहेगा। कंपिटेटिव एग्जाम, कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न आपको कराऊंगा आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें या सीजी व्यापम, जो भी एग्जाम की तैयारी करें, कंप्यूटर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है आपका, इंटरनेट से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो इंटरनेट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कल हमने जो क्लासेस किया पूरा थ्योरी क्लासेस किए हैं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के क्या उपयोग होता है, कहाँ से होता है, इंटरनेट के क्या क्या उपयोग हैं, क्या कार्य कर सकते हैं, इसके लाभ हानि हमने कल के वीडियो में देखा थ्योरी में। ठीक, पार्ट वन में, ये आपका पार्ट टू वीडियो है, यानी कि एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा जी। पार्ट थ्री में आपका पूरा जो टॉपिक बच जाएगा उसको इंटरनेट से संबंधित हम आपको करा देंगे। पहली बार आए तो क्या करोगे आप, पहली बार आए तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना ताकि मैं जब भी ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक, देखिए यूट्यूब पर तो वीडियो अपलोड किया ही जाता है, लेकिन मेंबरशिप में अलग से इसको पीडीएफ के तौर पर दिया भी जाएगा और क्लास भी दिया जाएगा। ठीक है, जो कि 499 रुपये की फीस लगेगी। ठीक, चलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि जितने भी टेस्ट रहेंगे, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आप जितने भी क्वेश्चन लगा सकें लगाए जाओ, और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि इतना आंसर सही हुआ। ठीक, कितना आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और कितना ऑप्शन गलत हुआ है आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेब अस्तित्व में आया है एमपीपीएससी एसएससी और जीएस 2020 में पूछा गया है, तो वेब अस्तित्व कब आया है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है आपका जापान। तो आप लोग को तैयारी ऐसा करना है कि देखिए अभी तो एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन 2 महीने इसके एग्जाम होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापम में हॉस्टल वाड़ाना है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिख दिया हूँ मैं। ये इंटरनेट से क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 नंबर पूछता ही है, कितना नंबर, 2 से 3 नंबर यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, तो रिवाइज कीजिएगा वीडियो को 2 से 3 बार देखना। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए अमेरिका। ठीक है, जब वेब अस्तित्व में आया है तो कौन से आया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। कितने लोगों का आंसर ए आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, सेकंड प्रश्न है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है, जो ब्लूटूथ होता है हमारा, जैसे मोबाइल में कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से, कोई सॉन्ग सुनते हैं, या फिर क्या बोला जाए कि ऐसा है कि जैसे कंप्यूटर में ब्लूटूथ कर सकते हैं, या फिर जो आप सुनते हैं ना सॉन्ग वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही है जी। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है, किससे संभव बनाती है, तो आपका ऑप्शन ए होगा वायरलेस डाटा ट्रांसफर से, है ना, ये पटवारी 2021 में पूछा गया था। ठीक, मैं तीसरा क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, एग्जाम 2019 पटवारी में पूछा गया है ना। तो जितने भी क्वेश्चन है पूरा विगत वर्षों का क्वेश्चन है जी, कौन से वर्षों का, विगत वर्षों का क्वेश्चन है पूरा प्रश्न, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अभी पटवारी 2021 के एग्जाम में हुआ था उसमें पूछा गया था, पटवारी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, मतलब जो भी टॉपिक का जो क्वेश्चन है पूरा व्यापम में ही पूछा गया है, वही क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो क्या करोगे आप, वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक, निम्नलिखित कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, तो गूगल का प्रोडक्ट कौन कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी आईओएस, ऑप्शन सी क्रोम, या ऑप्शन डी जीमेल। तो ये आपको पटवारी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो इसका आंसर आपको होगा बी, कौन सा हो जाएगा, बी आईओएस। ठीक, एंड्रॉइड गूगल का प्रोडक्ट है, क्रोम प्रोडक्ट है, जीमेल प्रोडक्ट है, जबकि आईओएस गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लानेट द सीड ऑफ इंटरनेट वेब, यानी कि इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा है, तो इसका कौन सा होगा आप कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको समझाते चलूंगा। तो द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लानेट द सीड ऑफ इंटरनेट वास, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा है, तो कौन सा है, अर्पानेट, इनसेट, या वीनेट, या इंटनेट।
क्या होगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 2019 में पूछा गया है, एक बार कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक, तो इसका आंसर होगा इंटरनेट के बीच बोने वाला पहला नेटवर्क अर्पानेट। कौन सा होगा? ऑप्शन ए अर्पानेट। और जितने लोगों को ऑप्शन ए आएगा बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण यानी कि अर्पा निम्नलिखित के विकास के लिए उत्तरदायी है। एमपीपीएससी प्री और जीएस 2019 का क्वेश्चन है। वेबसाइट, ऑनलाइन, ईमेल या इंटरनेट? सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए। हम आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, क्लास लेकर आते हैं, सभी लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा, है ना। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप करके चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप वीडियो को स्किप जरूर कर दीजिए। और जो तो तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। 2 से 3 बार वीडियो को अवश्य देखिएगा। एक बार तो आप सरसरी निगाहों से एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के देखिएगा। दूसरी बात मैं बात करूं तो वीडियो को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा, और तीसरा बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मैं डेली क्लास लेकर आ रहा हूँ, हर दिन एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग तैयारी कीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ सिलेक्शन लेने का। ठीक, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप अगर अच्छे से वीडियो को कंटिन्यू क्लासेस करते हैं तो। ठीक, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में लाइक करने में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका डी, इंटरनेट। जब हम कौन से क्लास कर रहे हैं? इंटरनेट से, इंटरनेट से उपयोग, इंटरनेट से लाभ, हानि सभी क्लास मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता दिया है। मैंने आपको कहा था कि पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, चाहे आधे घंटे की क्लास रहे चाहे 1 घंटे की क्लास रहे। ठीक, चलिए तो इसका आंसर डी होगा, इंटरनेट। जितने लोगों का आंसर डी आएगा बिल्कुल सही है। और कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लास्ट में अवश्य बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? विश्व का पूछा है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा। इंटरनेट, वीपीएन, डब्ल्यूएन और मल्टीटास्किंग परीक्षा 2017 में पूछा गया है। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट, इंट्रानेट। ठीक, याद रखना इंटरनेट होगा, वीपीएन नहीं है, वीपीएन नहीं होगा। ठीक, वीपीएन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन लोकल एरिया नेटवर्क। विश्व का पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है ना, तो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप सभी के लिए प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क, भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, बड़ा नेटवर्क कौन सा है, जिसको मालूम है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक, ऑप्शन ए होगा इंट्रानेट। ठीक, देखेंगे इंट्रानेट जो है विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, यह हजारों छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बना होता है, उसको इंट्रानेट कहते हैं, जैसे करोड़ों डिवाइसों से जुड़ा होता है, जबकि इंट्रानेट वीपीएन डब्ल्यूएन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? अब देखेंगे इंट्रानेट, इंटरनेट, एआरपी नेट, नेटवर्क, लैन, क्या हो? विश्व भर बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, इंटरनेट नहीं कहलाता, ऑप्शन बी होगा। ठीक, जितने लोगों का ऑप्शन बी आया है सही है, क्योंकि देखिएगा विश्व भर में बहुत सारे जो कंप्यूटर है उनको कौन जोड़ेगा? ये नेटवर्क जोड़ेगा, सॉरी इंटरनेट जोड़ेगा, नेटवर्क से ही चलेगा आपका इंटरनेट, है ना। बहुत सारे कंप्यूटर है आपका, जब काम कर रहे हैं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो इसको कौन करेगा? इंटरनेट से जब कनेक्ट करोगे तभी तो आपका चलेगा, कंप्यूटर चलेगा, मोबाइल इंटरनेट के बिना चलता है क्या? मोबाइल नहीं चलता, वही है। ठीक, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, डेली कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? किस देश में पूछा गया है? छत्तीसगढ़, भारत, ये सब आप लोग बताइएगा कमेंट करके।
किस देश में, ऐसा कौन सा देश है सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोग होता है? आपका टीयर 1 2000, ये आपको 19 में पूछा गया प्रश्न है। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अमीरा, चीन, भारत, रूस, कौन सा है? कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब, सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग चीन में होता है। चीन, और चीन में जो उपयोग होता है उसको एक और नाम पूछा गया था, बैदू। चीन को बैदू कहा जाता है, इसको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते अवश्य चले। देखेंगे वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार 5 इंटरनेट है जो प्रयोगताओं वाले देश। सबसे पहला नंबर में आपका चीन, दूसरा में भारत, तीसरा में अमेरिका, चौथा ब्राजील और पांचवा जापान। तो सबसे पहला आपका 746 मिलियन, याद रखना 746 मिलियन आपका पहला है चीन में। भारत से दूसरा नंबर पर 391, याद रखना, दोनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा ठीक। यहाँ पर नोट करते चलेंगे, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोग करता है? तो पहला नंबर पर चीन, दूसरा में आपका भारत 391, याद रखना, और पहला 746 मिलियन ठीक। मैं जो जो टॉपिक है पूरे एग्जाम में कवर कराते चलूंगा। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है देखेंगे, समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केटबॉल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, रेल लाइनों में रेल के डिब्बों की स्थान का स्थाप या रिसाव रखने वाली पद्धति, या कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो सातवां का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सातवां का आंसर आपका होगा डी, कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र इंटरनेट कहलाता है ठीक। इसका आंसर डी हो। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? तो इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर, सेल्यूलर फोन को, या इंटरनेट को? इसका आंसर क्या होगा? आठवां का बताइएगा फटाफट कमेंट करके ठीक है। चलिए, मेरी आवाज आपको क्लियर तो आ रही होगी। सूचना राजपथ, ईमेल, पेजर, सेल्यूलर फोन को, इंटरनेट, या 2018 में पूछा गया? आठवां का आंसर होगा आपको बिल्कुल सही जवाब डी, इंटरनेट को। जो सूचना राजपथ होता है उसको इंटरनेट कहते हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे ठीक। साधारणतः शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिवीजन अवश्य कीजिएगा। साधारण शब्दों में, नॉर्मल शब्द में ठीक, नॉर्मल भाषा में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो नेटवर्कों का नेटवर्क आपका एक्ट्रानेट, इंट्रानेट या इंटरनेट क्या होगा? 2021 में पूछा गया है। इसका आंसर डी होगा, इंटरनेट, क्योंकि हमें क्या पढ़ रहे हैं अभी, इंटरनेट से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क है ना, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क आपका इंटरनेट कहलाए। ठीक, YouTube के गुणों के बारे में क्या गलत है? जब हम YouTube देखते हैं या आप हमारी क्लास YouTube से देख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या गलत कहा गया है? आप सभी को मालूम होगा, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती ठीक है। तो YouTube से क्या क्या कर सकते हैं? तो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो में सर्च कर सकते हैं, लेकिन वीडियो एनालिसिस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसका आंसर बी होगा, क्या पूछा गया है? गलत। तो इसका आंसर बी गलत होगा, यही आपका आंसर होगा। YouTube से क्या कर सकते हैं हम? वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं कर सकते। पूछा क्या गया है? यही गुणों पर पूछा गया है, पटवारी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, और ये चुटकियों में बन जाता है सवाल ठीक। अब देखेंगे YouTube के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, ये तो बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, या गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, क्या है? कमेंट करके बताओ। आप लोगों के लिए आंसर है, सग्रीबेन इसकी स्थापना में से एक है, सग्रीबेन की स्थापना में से एक है। सीजी व्यापम खादी 2019 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है ठीक। ये बिल्कुल सही सवाल, जो लोग आंसर आएंगे। चलिए, YouTube पर पहला वीडियो किसने पोस्ट किया था? एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो YouTube है उसमें सबसे पहले वीडियो किसने पोस्ट किया था।
YouTube पर सबसे पहले किसने पोस्ट किया था? मार्क जुकरबर्ग, जावेद करीम, स्टीव चैन, सगरी बैन। ये आपका विद्युत विभाग 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। YouTube पर पहला वीडियो आपका जावेद करीम, याद रखना कौन है, जावेद करीम ने पोस्ट किया था। बिल्कुल सही जवाब। ठीक, देखेंगे पहला YouTube वीडियो अपलोड किया गया था तो 2005 में, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही बताया कि YouTube के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यह एक प्रकार ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या पूछा गया कथन गलत है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। मैंने आपको पूरा जो जो बताया था वो एग्जाम में पूछा गया है। YouTube पर पहला वीडियो अपलोड 2005 में किया गया था। YouTube किस वर्ष में बनाया गया था? 2005 में। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? तो देखेंगे आपको पहले ही बताया था डोमेन नाम सिस्टम वाला, यूजर नेम, डोमेन नेम, पूरा थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है पार्ट वन वीडियो, वो वीडियो देखिएगा जाके एक बार अच्छे से, उसको सुनना बस है आपको पार्ट वन वीडियो। ठीक, मैं जो बता रहा हूँ एक बार सुन लीजिएगा। ठीक, मैं बात करूं निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है, तो क्या है, पहले नेम, एट द रेट, वेबसाइट, इन इन्फो। तो ये आपका पहला गलत हो गया, इन्फो आगा आपका नेम वाला बी। वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में इंटरनेट उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अपोलो, इनसेट, इंटरनेट, निकनेट। क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर होगा आपका सी, इंटरनेट, बिल्कुल सही। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है एक्सट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट या हैकर। 11वां का आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। 11वां का आंसर होगा एक्स्ट्रानेट, ऑप्शन ए। ठीक, वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, क्या करता है, वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, वह आपका क्या कहलाएगा, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, सेटेलाइट या इनमें से कोई। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रानेट, ऑप्शन बी। वीडियो में आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इंट्रानेट क्या है, तो इंटरनेट सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, या सूचना को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, या फिर मैं कहूं कि किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, या सूचना को दो संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त नेटवर्क, क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक, 15 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, फिर 15 क्वेश्चन बाद में करेंगे शाम। ठीक, ये दोपहर की क्लास है जी, बिल्कुल, इसका आंसर आपका सी होगा। 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। अपने कर्मचारी द्वारा अन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है, तो कौन सा होगा निजी नेटवर्क, इंटरनेट, 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 लैब। तो 14 का आंसर होगा आपका बिल्कुल सही जवाब बी, इंटरनेट। ठीक, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन को एक बार और रिपीट हुआ है। ठीक, इसका आंसर होगा इंटरनेट, 15 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इसका आंसर सी होगा, वेब ब्राउजर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउजर, वेब सर्च इंजन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब डाटा स्टोर। तो 16 का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट शाम को बेच लगेगी 7:30 को, उसको हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आज के लिए फिर इतना ही, 15 क्वेश्चन किए, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शाम की बेच में हो जाए कंप्लीट। ठीक,
बने रहिएगा वीडियो पर, इंतजार कीजिएगा। आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।